स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ड्राइंग ट्रिकी में। आज की इस वीडियो में हम आरएफ के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों को आरएफ के बारे में कन्फ्यूज़न होता है कि आरएफ होता क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग आरएफ के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि आरएफ का प्रयोग हम लोग जब हमें स्केल बनाना होता है, स्केल से रिलेटेड कोई सवाल को सॉल्व करना होता है, तब हमें आरएफ की ज़रूरत होती है। तो आरएफ किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फुल फॉर्म क्या हमने जाना कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब हम जान लेते हैं कि आरएफ होता क्या है। तो हमें मालूम है कि आरएफ को अगर डिफाइन करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज और ड्राइंग में दिखाए जाने वाले अनुपात को आरएफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरएफ का अगर हमें डेफिनेशन देना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज और ड्राइंग में दिखाए जाने वाले अनुपात को आरएफ कहते हैं। क्लियर है? हम लोग आरएफ का फॉर्मूला देखेंगे कि आरएफ बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि आरएफ बराबर डीएस बाय एएस। अब डीएस का क्या मतलब? ड्राइंग साइज और ए एस का क्या मतलब होता है? एक्चुअल साइज। अब ये जो ड्राइंग साइज और एक्चुअल साइज है, तो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखें कि ड्राइंग साइज क्या होता है और एक्चुअल साइज क्या होता है। तो इसके लिए हम एक सवाल लेंगे और वह सवाल प्लेन स्केल का होगा। हम उसको करके देखते हैं तो हमको आरएफ बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमें समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास एक सवाल है, जो सवाल है प्लेन स्केल का। अब यहाँ देखिए, प्लेन स्केल का एक सवाल मेरे पास है। इसमें लिखा हुआ कि एक साधारण मापनी का मतलब प्लेन स्केल की रचना कीजिए जो अधिक से अधिक 8 मीटर मापे। कितना मापे? अधिक से अधिक 8 मीटर मापे। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करें। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करें। 6.8 मीटर को इस पैमाने पर दिखाएं, मतलब इस स्केल पर दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। और अब हम जानते हैं कि हम लोग ड्राइंग शीट पर 1 मीटर का तो लाइन ले नहीं सकते हैं, तो हमें उस 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर में मानना होगा। तो ये जो 2 सेंटीमीटर बराबर हुआ 1 मीटर, या 1 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर को ड्राइंग शीट पर लिया जा सकता है, 1 मीटर को नहीं लिया जाता, इसलिए हमने 1 मीटर को यहाँ पर 2 सेंटीमीटर माना। अब यहाँ पर देखिए, हमने फॉर्मूला में लिखा है ड्राइंग साइज बटा एक्चुअल साइज। तो इसकी एक्चुअल साइज इसमें कौन हो सकती है? 1 मीटर। और ड्राइंग साइज कौन हो सकता है? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ड्राइंग पर जो साइज आएगा हम लोग उसे ड्राइंग साइज मानते हैं, और 1 मीटर जो है यहाँ पर हम उसे एक्चुअल साइज़ मानते हैं, क्योंकि हम उस एक्चुअल साइज़ को नहीं ले सकते, इसलिए हमें एक्चुअल को जो है ना ड्राइंग साइज़ में बदलना होता है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि आरएफ कैसे हम निकालते हैं। क्या दिया हुआ था कि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरएफ बराबर डीएस बट्टा एएस। अब डीएस मेरा क्या हो गया? ड्राइंग साइज़ कितना? 2 सेंटीमीटर। और एक्चुअल साइज़ कितना था? 1 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों की यूनिट अलग है। ऊपर वाला जो संख्या है उसकी यूनिट सेंटीमीटर में है और नीचे वाला का मीटर में है। हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर लिख देंगे और इसे 1 × 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 सेंटीमीटर बट्टा 1 × 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, बचा कितना? 2 बट्टा 100। अब हम इसे काटेंगे तो मेरे पास बचेगा 1 बट्टा 50। ये जो 1 बट्टा 50 निकला है, ये मेरा आरएफ है। तो अब हम इसे आरएफ बराबर 1 बट्टा 50 मानेंगे।
दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है कि हम जानते हैं कि आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती, मतलब आरएफ जो होता है वो यूनिटलेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती। अब हमें आरएफ निकाल लिया है, तो ये था मेरा टोटल आरएफ से रिलेटेड जो आप लोगों के मन में डाउट था, तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कमी रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ड्राइंग ट्री को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड आपको जब भी कोई वीडियो डाली जाएगी तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी, तो आप बेल आइकन भी दबा लें।